इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मोबाइल रिकॉर्डेड ऑडियो से नॉइस रिमूव कैसे करना है, वो भी बिना एक्सटर्नल माइक यूज किए। अगर आप मोबाइल से ऑडियो रिकॉर्ड करते हो या आपके पास एक्सपेंसिव माइक नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला ऑडियो मैं अपने फोन से रिकॉर्ड किया हूँ और AI टूल के मदद से बहुत ही इजिली बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस कर दिया हूँ। ये मैंने कैसे किया वही प्रोसेस आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसके साथ एक फ्री टू यूज मोबाइल ऐप के बारे में भी बताने वाला हूँ जिसको यूज करके हम लोग अपनी ऑडियो को क्रिस्प एंड क्लियर कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू दी स्टेप्स। फर्स्ट, वीडियो से ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसके लिए आप लोग कोई भी MP3 कन्वर्टर ऐप यूज कर सकते हो। इसके बाद गूगल पे जाके सर्च करना है Adobe पॉडकास्ट, देन इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। पहले इस टूल को यूज करने के लिए लॉगिन नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब लॉगिन करना पड़ता है। आपके पास अगर Adobe अकाउंट है तो उसी अकाउंट से लॉगिन कर लीजिए। अगर अकाउंट नहीं है तो साइन इन पे क्लिक करके क्रिएट अकाउंट पे जाके फ्री साइन अप कर लेना है। अब गो टू इनहेंस स्पीच पे जाना है, चूज फाइल सिलेक्ट करना है और अपनी ऑडियो को चूज कर लेना है। कुछ सेकंड ए टाइम लेगा ऑडियो को इनहेंस करने के लिए। लगभग 30 सेकंड के अंदर मेरा ऑडियो रेडी हो चुका है। अब थोड़ा प्ले करके ऑडियो इम्प्रूवमेंट देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए वाला ऑडियो मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड किया हूँ और AI टूल के मदद से बहुत ही इजीली बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस कर दिया हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ए वाला ऑडियो मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड किया हूँ और AI टूल के मदद से बहुत ही इजीली बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस कर दिया हूँ। बहुत ही अच्छे से इस टूल ने ऑडियो से बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर दिया है, आप लोग सुन सकते हो। डाउनलोड पे क्लिक करके ऑडियो फाइल को डाउनलोड कर लेना है। आप चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन में जिसको यूज़ करके मैं अपनी ऑडियो को थोड़ा और क्रिस्प एंड क्लियर कर लूँगा। इस ऐप का नाम है Lexis ऑडियो एडिटर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। Lexis ऑडियो एडिटर को यूज़ करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट काम कर लेना है। Adobe पॉडकास्ट से डाउनलोड किए हुए ऑडियो को फाइंड करना है और इसको WAV फॉर्मेट से MP3 में रीनेम कर लेना है, क्योंकि Lexis ऑडियो एडिटर WAV फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता है। ऐप को ओपन करने पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ओपन पे टच करके ऑडियो को ओपन कर लेना है। अब राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट पे टच करना है। स्क्रॉल डाउन करके इक्वलाइजर स्लैश एम्पलीफायर को सिलेक्ट करना है। लेफ्ट साइड के 5 बार्स बेस का है और राइट साइड के 5 बार्स ट्रेबल का है। अपने ऑडियो के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। रेफरेंस के लिए मेरा सेटिंग आप देख सकते हो। प्री एम्पलीफायर को बढ़ा के हम लोग अपनी ऑडियो को लाउड कर सकते हैं, लेकिन 2 dB से ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, वरना साउंड खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अप्लाई कर देना है, देन फिर से इफेक्ट्स पे जाके ऑडियो को नॉर्मलाइज कर लेना है। नाउ सेव ऑप्शन पे टच करके ऑडियो को सेव कर लेना है। नाउ वी आर गुड टू गो टू यूज आवर ऑडियो फाइल। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।